नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस अतीक और उसके परिवार तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है। इसलिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण और बेटे असद की तलाश में पुलिस चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अतीक के दो बेटे अभी भी फरार चल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी पुलिस अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता प्रवीण के पोस्टर जारी करने जा रही है। आपको बता दें, ये पोस्टर शाइस्ता प्रवीण के हुलिये के आधार पर तैयार किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर इन पोस्टरों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, शाइस्ता के पोस्टर सोशल मीडिया पर भी जारी किए जाएंगे। शाइस्ता प्रवीण पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पुलिस उनकी इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 कर सकती है। पुलिस को शाइस्ता की लोकेशन भी मिली है, पर अभी तक शाइस्ता प्रवीण का पता नहीं चल पाया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के 22 दिन बीतने के बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ 5 लाख के इनामी 5 शूटर नहीं आ सके हैं। शाइस्ता प्रवीण की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि शूटरों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस एक सफ़ेद पोश की शरण में गई है और यूपी पुलिस ने पूर्वांचल के एक पूर्व बाहुबली सांसद से भी इस मामले में मदद मांगी है। पुलिस अफसरों को उम्मीद है कि एनकाउंटर से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम आने वाले दिनों में कभी ना कभी इस पूर्व बाहुबली सांसद से संपर्क जरूर करेगा। अफसरों ने पूर्व सांसद से कहा है कि अगर गुड्डू मुस्लिम उनसे संपर्क करता है तो वह इस बारे में पुलिस को सूचना जरूर दें और उसे पकड़वाने में यूपी पुलिस की मदद करें। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।